मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। तो बात कुछ इस तरह से कि 21 सितंबर 1954 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी असेंबली ने उस वक्त के टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन में दो अमेंडमेंट्स लाए विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इनमें से एक अमेंडमेंट ऐसा था जो कि गवर्नर जनरल के पावर्स को डायरेक्टली रिड्यूस कर रहा था, और क्योंकि ये दोनों अमेंडमेंट्स गवर्नर जनरल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनाए गए थे, तो अपने नाराज़गी का इजहार करते हुए गवर्नर जनरल ने 24 अक्टूबर 1954 को इस असेंबली ही को डिसॉल्व कर दिया। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि इस असेंबली के स्पीकर हाई कोर्ट में गवर्नर जनरल के खिलाफ केस दाखिल कर देते हैं, ये कहते हुए कि गवर्नर जनरल ने इस असेंबली को रॉन्गफुली डिसॉल्व किया है। इस कोर्ट में बहुत से लीगल एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है, जिसके बाद स्पीकर के हक़ में फैसला देते हुए कोर्ट्स असेंबली को एक बार फिर से बहाल कर देती हैं। आफ्टर दैट वी सी कि गवर्नर जनरल हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एपेक्स कोर्ट में अपील दाखिल कर देते हैं, एंड लकीली गवर्नर जनरल के हक़ में वहाँ फैसला आ जाता है। हेलो फेलोज, आई होप यू हैव रिटन फाइन। आई एम हैदर मक्सी। सो दिस वाज शो समरी ऑफ द केस, एंड नाउ वी आर गोना सी इट्स डिटेल एस्पेक्ट्स। And I assure you, by the end of this video, you will have no more confusion or doubts about the facts of case ever again. And one more thing, if you get from video what you are striving for, make sure to like this video and subscribe the channel. Let's just move to video. So, fellows, these are steps in which this video will proceed. अगर आपने कोई टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, you can easily jump to another one by clicking on the chapter section, if you like. मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस के दो साइड्स हैं। एक तो वो जजमेंट एंड आर्गूमेंट्स जो कि चीफ कोर्ट में हुए, और दूसरे वो जो कि फेडरल कोर्ट में हुए। बट आज की इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट साइड पे ज़्यादा फोकस देंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन फ्यूचर टाइम मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ। इससे पहले कि हम केस के फैक्ट्स पर पहुँचें, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। याद रखिए कि जिस वक्त ये केस दाखिल किया गया था, उस वक्त पाकिस्तान का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम एज अ इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे थे, टुगेदर विद द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके अलावा यू नीड नॉट टू बी कन्फ्यूज, जहाँ कहीं पे आपको चीफ कोर्ट लिखा हुआ नजर आया, यू वुड अज्यूम कि सिंध हाई कोर्ट कराची की बात हो रही है, एंड जहाँ कहीं पे आपको फेडरल कोर्ट नज़र आए, यू वुड अज्यूम कि दिस इज़ एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम का 1935 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पाकिस्तान का एपेक्स कोर्ट था, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट है, और ये फेडरल कोर्ट लाहौर में लोकेटेड था, ना कि इस्लामाबाद में। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो जिस तरह से पाकिस्तान के पास आज बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास यूनी कैमरल फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी थी, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस असेंबली के दो ऑब्जेक्टिव थे, एक तो पाकिस्तान के लिए फेडरल लेजिस्लेशन प्रोवाइड करना, और दूसरा पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इसका कोई टेन्यूअर नहीं था, यानी ये असेंबली तब तक कंटिन्यू रहनी थी कि जब तक पाकिस्तान के लिए आइन मुकम्मल तौर पर बन नहीं जाता। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्पीकर ऑफ असेंबली को प्रेसिडेंट के नाम से बुलाया जाता था, और जो डिप्टी स्पीकर होता था उसको डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से बुलाया जाता था। नाउ वी आर मूविंग हिस्ट्री रिलेवेंट टू द केस। सो स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान से। 16 मई 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जो है कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव यह होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाए, जिसका काम ये होगा कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने की कोशिश की, और एक प्रपोजल दिया अनडिवाइडेड इंडिया का। हमें शुरू से सेपरेट अपना एक होमलैंड चाहिए था, तो जिन्ना ने इस कैबिनेट मिशन का बायकॉट कर दिया। इसके बाद 3 जून 1947 में ब्रिटिश क्राउन की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र किया जाना था, और उनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज बननी थी। इस स्टेटमेंट के पैरा 21 के तहत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ, और जिसको ने खुद असेंट दिया 8 जुलाई 1947 को। और सेम स्टेटमेंट पे अमल करते हुए ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए एक अलग से न्यू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनवाई, और एक ऑर्डर पास किया जिसमें बताया गया था कि कौन से लोग इस असेंबली के मेंबर बनेंगे। 10 अगस्त 1947 को इस असेंबली की पहली मीटिंग हुई, और 11 अगस्त को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इलेक्ट किया गया एज प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली, यानी एज स्पीकर ऑफ असेंबली, और जो डिप्टी स्पीकर थे जिसको हम डिप्टी प्रेसिडेंट कहते हैं वो बनाए गए थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची आते हैं, और अपने तमाम अख्तियारात कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को सौंप कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि 15 अगस्त को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का अहदा संभालते हैं। बाबा कौम के वफात के बाद 14 दिसंबर 1948 को
मौलवी तमीज़ुद्दीन खान को इलेक्ट किया जाता है एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और वो कायदे आज़म के बाद सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो पोजीशन संभाल रहे थे, एक तो वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का और दूसरा वो थे गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल की कुर्सी भी खाली थी तो उस कुर्सी पे ख्वाजा नाजमुद्दीन को फाइज़ किया गया। आगे 1951 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के कत्ल के बाद द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाजमुद्दीन ये बात रियलाइज़ कर लेते हैं कि आगे जो निज़ाम आने वाला है उसमें पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल होगा बनिस्बत गवर्नर जनरल के, और गवर्नर जनरल जो है एक मेयर सेरेमोनियल हेड होगा जिस तरह से आज हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं किंग जॉर्ज को कि वो अपॉइंट करे मलिक गुलाम अहमद को एज थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लेटर ऑन इन 1953 गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद एंड ख्वाजा निज़ामुद्दीन के बीच में पॉलिटिकल पावर को लेके कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं जिसके चलते हुए गवर्नर जनरल अपने पावर्स और अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर को उनके अहदे से हटा देते हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल जो है किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ही नहीं होते। इनका नाम था मोहम्मद अली बोगरा साहब। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोहम्मद अली बोगरा साहब जो है यूएसए में पाकिस्तान के एम्बेसडर एक्ट कर रहे थे। अभी थोड़ा ही ऐसा गुजरा था कि प्राइम मिनिस्टर बोगरा ये समझ चुके थे कि जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन गवर्नर जनरल को इतने बड़े अहदे पर लेके आए, गवर्नर जनरल ने उनका ही एहतराम नहीं किया तो मुझे भी बहुत जल्द बरतरफ कर देंगे। इसके बाद बोगरा साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अमेंडमेंट्स लाना शुरू किए जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है 223 है जिसके तहत हाई कोर्ट के रिट जो रिस्ट्रिक्शन अनेबल किए गए थे, और उसके बाद है सेक्शन 10 था उसके तहत गवर्नर जनरल के पास ये अथॉरिटी थी कि वो मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दे। एंड देन फाइनली कम्स 21 सितंबर 1954 द डे ऑफ लास्ट अमेंडमेंट। इस डे पे जो है सेक्शन 9 को अमेंड किया गया और गवर्नर जनरल के डिस्क्रिशनरी पावर्स को ख़त्म करते हुए मिनिस्टर्स की एडवाइस इनके ऊपर बाइंडिंग बना दी गई थी। अभी यहाँ से हिस्ट्री का पार्ट ख़त्म होता है और केस के फैक्ट्स शुरू हो जाते हैं। तो 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर जनरल एक प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और इसके ठीक एक दिन बाद गवर्नर जनरल जो है कुछ लोगों को मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ही नहीं होते। 26 अक्टूबर की सुबह को मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के पास आते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इस प्रोक्लेमेशन को एक्सेप्ट करते हैं, बट मौलवी तमीज़ुद्दीन उनके तमाम बातों को डिक्लाइन कर देते हैं। 27 अक्टूबर की सुबह को पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बिल्डिंग जो है पुलिस फोर्स से घिरी हुई थी और किसी भी पर्सन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था इंक्लूडिंग दी डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। 28 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इजलास होना था बट सूरत हाल को देखते हुए मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने इसे 3 जनवरी 1955 तक मुलतवी कर दिया। और इसी सेम डे पे गवर्नर जनरल ने एक और पर्सन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा बनाया, दैट वाज डॉक्टर खान साहब। फिर 30 अक्टूबर को स्टेट ऑफिसर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के घर पे आते हैं और इन्हें जो है सरकारी रिहाइश का को खाली करने का कहते हैं क्योंकि असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थे, तो मौलवी साहब कहा जाता है कि वो बुरका पहन के कोर्ट पहुँचते हैं पिटीशन डालने के लिए। इससे पहले कि हम ये देखें कि उन्होंने पिटीशन में क्या क्लेम किया, मेरे ख्याल से देयर आर फ्यू थिंग्स जिनको पहले देखना ज़रूरी है। सो हे यू कैन सी कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब ने जो है इस केस में 11 लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया था एंड द 11th वन वॉज ड्रॉप्ड आउट बिकॉज कोर्ट ने कहा कि अगर आप इनको सू करना चाहते हैं तो इनके खिलाफ एक अलग से पिटीशन दाखिल करें, और दैट 11th पर्सन वॉज स्टेट ऑफिसर। इस केस में मौलवी की जो एडवोकेट थे दैट वॉज आई चंद्रीकर, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे पाकिस्तान के 55 डेज़ के लिए, एंड डी एन प्रित भी उनके ही वकील थे। एंड अपोजिट साइड पे जो है एडवोकेट जनरल थे फयाज अली एंड मंजूर कादिर साहब। अपार्ट फ्रॉम दिस इस केस को जो है चीफ कोर्ट के 4 जजेस ने सुना था इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जॉर्ज बेगजेंडल कॉन्स्टेंटीन। मूविंग अहेड ये पिटीशन 223A ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दर्ज किया गया था कोर्ट में। यहाँ पे प्रेयर बहुत सिंपल होती है कि कोर्ट जो है रिट ऑफ मंडामस इशू करे ताकि रेस्पोंडेंट्स प्रोक्लेमेशन को इफेक्ट ना दिलवा सकें और जो मौलवी साहब हैं उनको अपने ऑफिस ड्यूटी एज अ प्रेजिडेंट ऑफ असेंबली उनको अपने काम करने से ऑब्स्ट्रक्ट हिंडर ना करें। एंड सेकंड पीरियड जो यहाँ पे होती है दैट इज़ रिट ऑफ कोवरंटो। मौलवी साहब ये कोर्ट से प्रे करते हैं कि रेस्पोंडेंट 2-10 की जो है अपॉइंटमेंट को ज़रा आप डिटरमिन करें क्या ये वैलिड हैं। हेयर यू कैन सी 3 मेन क्वेश्चंस जिनका जवाब कोर्ट को देना था। इनमें से सबसे जो पहला सवाल था वो ये था कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कोई कानून बनाती है तो क्या वो कानून गवर्नर जनरल के एसेंट के बगैर भी वैलिड रहेगा। दूसरा सवाल यह था कि क्या गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर एंड अथॉरिटी है
कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसॉल्व कर सके, एंड थर्ड वाज कि गवर्नर जनरल ने जो अपॉइंटमेंट्स किए क्या वो अपॉइंटमेंट्स लीगल थे। अब इन तीन सवालों के जवाब देने के लिए कोर्ट पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स ने जो है केसेस की रेफरेंसेस की लाइन लगा दी है, यू कैन सी सम ऑफ देम। अब चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या एसेंट गवर्नर जनरल का ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो पिटिशनर रखा हुआ था कि 62 रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तहत अगर कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पास होता है तो उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है, और वो जैसे ही जो है ऑफिशियल गजट से पास होता है तो वो एक परफेक्ट लॉ बन जाता है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट उनका यह था कि आज़ादी से लेके अब तक 46 जो है वो एक्ट्स पास हो चुके हैं और उनमें से किसी में भी गवर्नर जनरल की असेंट नहीं ली गई थी। ऑन द अदर साइड रेस्पोंडेंट्स के कहना था 223A जिसके तहत मौलवी साहब ने यहाँ पे केस फाइल किया चीफ कोर्ट में, वो एक वैलिड लॉ नहीं है क्योंकि जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तो गवर्नर जनरल के असेंट नहीं लिए थे और इस हिसाब से जो है ये केस ही नहीं बनता। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो रूल 62 है वो भी वैलिड नहीं है। इसके अलावा रेस्पोंडेंट्स कहते हैं कि सेक्शन 6 सब क्लास 3 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है कि गवर्नर जनरल के पास पूरा अख्तियार है कि वो किसी भी बिल को असेंट दे कानून बनने से पहले। तो इस पर कोर्ट का कहना होता है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल के पास फुल अथॉरिटी है कि वो असेंट दे, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि वो डिनाई कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर जनरल की असेंट जो है वो ज़रूरी है, बट अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है तो गवर्नर जनरल के पास पूरा पावर है कि वो असेंट दें। फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट में रेस्पोंडेंट की साइड से एडवोकेट जनरल कहते हैं कि जहाँ पे पावर टू असेंट होता है तो इंटरप्रिटेशन एक्ट के तहत ऑटोमेटिकली इट इंक्लूड्स द पावर टू विथहोल्ड द असेंट। इसके रिप्लाई में जज साहिबान ने कहा जी बिल्कुल सही बात करें आप, बट जहाँ पर बात होती है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, ये जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट था, एक्ट ऑफ 1935 था, ये उस वक्त हमारे सुप्रीम लॉ थे, ठीक है, तो जो सुप्रीम लॉ होते हैं इनकी ड्राफ्टिंग हमेशा सिंपल, क्लियर और अनएम्बिगस रखी जाती है ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। और दूसरी बात कि इस तरह के जो लॉज हैं इनको इंटरप्रेट करने के लिए किसी दूसरे एक्ट का सहारा नहीं लिया जाता, सच एज इंटरप्रिटेशन एक्ट या फिर जनरल क्लाजेज एक्ट। इसके बाद कोर्ट ने जो है पिटिशनर के इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से उठाया कि सिंस इंडिपेंडेंस 46 कानून पास हो चुके हैं जिनमें से किसी में भी गवर्नर जनरल का असेंट नहीं लिया गया था, और वो सारे कानून पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवाए गए, इवन गवर्नर जनरल खुद उन पर एक्ट करते रहे और ऑर्डर्स पास करते रहे। अगर प्रोक्लेमेशन पास होने के 4 दिन पहले देखें तो वहाँ पे भी गवर्नर जनरल जो कुछ ऑर्डर्स पास किए थे उन्हीं कानून के तहत। तो कोर्ट ने पूछा कि आपको ये चीज़ें पहले क्यों याद नहीं थी, एंड इसके लिए वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद बख्श ने 3 ऐसे केसेस शो किए जहाँ पर पार्टीज़ ने एसेंट का मामला उठाया था बट कोर्ट ने उसे ओवर रूल कर दिया, जिनमें से 2 फैसले थे फेडरल कोर्ट के और एक फैसला था खुद जस्टिस मोहम्मद मुनीर, वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कंक्लूजन इसका यह बना था कि जब फेडरल कोर्ट इस चीज़ को इग्नोर कर रही है तो वी बींग सबऑर्डिनेट कैन ऑल्सो डू द सेम। फाइनल आर्गूमेंट जो कोर्ट ने एसेंट के हवाले से ऑब्जर्व किया दैट वॉज के सेक्शन 9 ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अथॉरिटी देता है कि वो गवर्नर जनरल के ऑर्डर्स को रिपील भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे यह साबित होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक सॉवरेन बॉडी है एंड गवर्नर जनरल की असेंट की कोई हैसियत नहीं है उसके सामने। तो हमें एक सवाल का जवाब मिल चुका है कि कोई भी कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की असेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, रिजोल्यूशन के हवाले से पिटिशनर ने जो सबसे पहला पॉइंट रखा हुआ है कि गवर्नर जनरल के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं जिसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसॉल्व कर सके, और जहां तक बात है सेक्शन 19 क्लास 2 एंड सब क्लास सी तो ये बहुत पहले ही ओमिट हो चुका है। इस क्लास के तहत जो है गवर्नर जनरल के पास पावर होते थे कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था, बट नाउ दैट्स ओमिटेड। सेकंड पॉइंट में पिटिशनर ने यह कहा कि जहां तक बात है डिसॉल्यूशन की तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास अपने पास एक अख्तियार है एक प्रोविजन के तहत जिसमें 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी लेके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपने आप खुद डिसॉल्व कर सकती है। इसके जवाब में रेस्पोंडेंट कहते हैं कि आप ये बात मानते ना कि असेंबली को समन करना, डिसॉल्व करना और जो है उसको बहाल करना ये सारे प्रेरोगेटिव हैं क्राउन के, तो क्राउन ने सेक्शन 5 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये सारे पावर डेलीगेट किए हैं गवर्नर जनरल को, अब ये सारे प्रेरोगेटिव जो है गवर्नर जनरल एक्सरसाइज करता है, और जो डिसॉल्यूशन और जो प्रोलोंगेशन जो इशू किया था गवर्नर जनरल ने वो इसी प्रेरोगेटिव को इस्तेमाल करते हुए इशू किया था। इसका जवाब कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया कि कोई डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, एंड मान भी लेते हैं कि क्वीन के पास एक वक्त में इस तरह के प्रेरोगेटिव्स और राइट्स होते थे कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकती थी, समन कर सकती थी एंड लॉज को असेंट दे सकती थी,
बट हाउ कैन यू से कि जो क्वीन के राइट्स एंड प्रेरोगेटिव्स इंग्लैंड में 250 साल पहले ख़त्म हो चुके, अभी वो 1947 से पाकिस्तान में रिवाइव होंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर हम सेक्शन 61 क्लॉज 2 सेक्शन 62 क्लॉज 2 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखें तो वहाँ पे हमें ये नोटिस करने को मिलता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नेंस है उनके पास ही पावर है कि वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ और हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव्स को जो है वो मेंटेन रखा गया और डेलिबरेटली गवर्नर जनरल के प्रेरोगेटिव्स को ख़त्म कर दिया गया, जब भी कहीं पे एक्सप्रेसली कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। इसी सेम पॉइंट पे कोर्ट ने जो थर्ड पॉइंट रेज किया वो था कि जब भी कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो वहाँ पे लिखा जाता है कि इस कानून के तहत आपके खिलाफ ये ऑर्डर पास किया जा रहा है, तो जो गवर्नर जनरल ने प्रोक्लेमेशन जारी किया वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं था कि सेक्शन 5 के तहत एज अ प्रेरोगेटिव आपके खिलाफ ये हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये भी एक वीक पॉइंट है। इसके बाद ये पॉइंट भी रेज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो लाइफ है वो 5 साल नहीं है बल्कि सेक्शन 18 ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत अनलिमिटेड है जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, तो इसको डिसॉल्व करना तो इम्पॉसिबल सी बात है। फाइनल आर्गूमेंट प्रोरोगेटिव के लिहाज से सेक्शन 19 था। आप देखिए पहले ये सेक्शन 19 इस तरह से दिखता था, बाद में इस तरह से दिखने लगा। इसमें से जो दो प्रोरोगेटिव एंड पावर्स थे सी एंड 3 क्लॉज वो काट लिए गए, तो कोर्ट ने कहा कि दिस वॉज टोटली डेलिबरेट एक्ट और गवर्नर जनरल को जो है गवर्नर जनरल के पावर जो है विथड्रॉ कर लिए गए थे। सेकंड आर्गूमेंट रेज किया वो ये था कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लोगों के अवाम के विशेष के खिलाफ जा रही है तो स्टेट का हेड हाथ पे हाथ रख के खामोशी से बैठ के देख तो नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर गवर्नर जनरल को एक्शन लेना चाहते तो कानून के तहत ले, कानून से हट के नहीं। थर्ड पॉइंट रेस्पोंडेंट्स ने बहुत सॉलिड रखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को गवर्नर जनरल ने बनाया था, ठीक है, तो सेक्शन 32 ऑफ इंटरप्रिटेशन एक्ट 89 कहता है कि जो शख्स किसी चीज़ को बना सकता है तो वो उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। तो कोर्ट ने इसका बहुत सूटेबल जवाब दिया कि बिल्कुल सही बात है, जो बना सकता है वो गिरा भी सकता है, बट ये बात याद रहे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था, जिसकी अथॉरिटी अब टोटली ख़त्म हो चुकी है और वो एग्जिस्ट नहीं करता, और गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बनाया था, तो आपका यह क्लेम यहीं पर फेल हो जाता है। तो हमें सेकेंड सवाल का भी जवाब मिल चुका है, अभी हम जा रहे हैं थर्ड सवाल की तरफ, क्या मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट लीगल थी। अपॉइंटमेंट के लिहाज से ये कहते हैं कि सेक्शन 9 के तहत जब असेंबली एग्जिस्टेंस में ना हो तो गवर्नर जनरल जो है किसी को भी चाहे अपॉइंट कर सकता है एज अ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकता है। इसका जवाब कोर्ट ने कुछ इस तरह से दिया कि सेक्शन 10 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन असेंबली का मेंबर नहीं है एंड ही इज़ अपॉइंटेड एज मिनिस्टर तो वो अपने आप को 10 महीनों के अंदर अंदर जो है इलेक्ट करवा ले एंड मेंबर बन जाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। बट अब जो सेक्शन 10 का क्लास 2 है ये रिपील हो चुका है, तो इसका साफ साफ ये मतलब हुआ कि अभी कोई भी पर्सन जो कि नॉन मेंबर है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एग्जिस्टेंस में नहीं है तो 2 से लेकर 10 तक कोई भी मिनिस्टर जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजोल्यूशन है वो इलीगल है तो 2, 3, 6 एंड 9 जो है वो अभी भी मिनिस्टर रहेंगे और बाकी के जो भी अपॉइंट होंगे वो सारे इलीगल हैं। तो अभी हमें हमारे तीनों सवालों के जवाब मिल गए एंड दीज आर सम ऑफ अदर आर्ग्यूमेंट्स एंड मुझे आप पे पूरा पूरा भरोसा है दैट यू कैन रीड देम बाय योरसेल्फ कज आई एम टू टायर्ड बाय नाउ। तो एंड में कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए थे, सो नाउ वी रियलाइज कि यहाँ पे जो फैसला है मौलिक तमीज़ुद्दीन के हक में हो जाता है एंड जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो फेडरल कोर्ट चले जाते हैं अपील के लिए। तो फेडरल जो कोर्ट है वो ज़्यादा डिटेल्स में जाते ही नहीं केस के, वो कहते हैं कि 223A ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अमेंडमेंट, तो इस कानून ने गवर्नर जनरल का जो है एसेंट नहीं लिया तो ये वैलिड नहीं है, और इसी के बेसिस पे जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन ने रिट पिटीशन फाइल किया था चीफ कोर्ट में। तो जो भी कुछ चीफ कोर्ट ने कहा और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसको कोई इफेक्ट या कोई असर नहीं है। साथ में फेडरल कोर्ट ने बताया कि गवर्नर जनरल जो है सॉवरेन है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक पार्ट है। So I hope guys I have assisted a little bit in doing your work. If you think so, make sure to like this video and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.